हूं आपके साथ राखी लांबा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म OMG 2 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में अक्षय कुमार की एक एक्ट्रेस ने एक्टर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद से ही वो खबरों में आ गए। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध में उनकी को एक्टर कर रही शांति प्रिया ने अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानने के बाद उनके फैंस को करारा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में शांति प्रिया ने सालों पुराने किस्से को बताते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अक्षय कुमार की एक बार मदद मांगी थी तो एक्टर ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। शांति प्रिया ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा, मैं अक्षय से फिल्म हॉलीडे के सेट पर मिलने पहुंची थी, उन्होंने भी मुझे लंच ब्रेक में आधे घंटे तक चर्चा की, मुझे सोनाक्षी सिन्हा से भी इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि मैं उनकी पहली फिल्म की हीरोइन थी। इस दौरान मैंने उन्हें बताया कि मैं कमबैक करना चाहती हूं और चाहती हूं कि इसमें वो मेरी मदद करें। ये सुनने के बाद अक्षय ने मुझसे कहा कि मैं अभी भी पहले जैसी ही लगती हूं। इसके साथ ही वो मुझे रियलिटी चेक देते हुए बोले कि मैं अब हीरोइन का रोल नहीं कर सकती। शांति प्रिया ने आगे कहा, मैंने कहा जब आप हीरो बन सकते हैं तो मैं हीरोइन क्यों नहीं बन सकती। इसके जवाब में अक्षय बोले कि इंडस्ट्री में महिलाओं को शादी के बाद पहले की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं साउथ में क्यों नहीं ट्राई करती। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं मुंबई में ही रह रही हूं और यही मेरे बच्चे भी हैं। अक्षय के साथ ये पहली मुलाकात तो मेरे लिए आसान थी, पर इसके बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे फिल्म एयरलिफ्ट के लिए उनकी सेक्रेटरी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सर को आपकी फोटोज चाहिए। मैंने तुरंत ईमेल की। इसके बाद मैंने कई बार कॉल किया और हर बार मुझे टालती रही। आखिरकार कुछ नहीं हुआ। अक्षय के अलावा उनकी सेक्रेटरी ने भी मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने अक्षय को कई बार मैसेज किए पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शांति प्रिया ने इंटरव्यू में आगे कहा, मैंने काफी दिनों तक इंतजार किया, उम्मीदें बांध कर रखी पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी माँ के मन में अक्षय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मुझे अभी भी कॉल करते रहना चाहिए तो उन्होंने मुझे उम्मीद छोड़ देने की सलाह दी। सालों पहले मैंने उन्हें अपने अपोजिट लीड एक्टर एक्सेप्ट किया था, तब वो इंडस्ट्री में नए थे, पर आज जब ये फेवर रिटर्न करने का मौका आया तो वो आगे नहीं आए। वो हर किसी को मौका दे रहे हैं पर अपनी पहली हीरोइन को भूल गए। तो देखा आपने, शांति प्रिया ने खुलासा किया है कि अक्षय कुमार ने मदद मांगने के बाद भी उनकी मदद नहीं बल्कि उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। शांति प्रिया के इस खुलासे के बाद अक्षय कुमार कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बात करें अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की तो इस साल की शुरुआत में अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। वहीं जल्दी अक्षय कुमार OMG 2 लेकर आने वाले हैं। हालांकि रिलीज से पहले ये फिल्म विवादों में फंस गई है, जहां टीजर के कुछ सीन्स पर लोग अक्षय कुमार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं सेंसर बोर्ड ने एक्टर की फिल्म को पास नहीं किया, फिलहाल रिव्यू कमेटी के पास फिल्म को भेज दिया गया है, जिसके बाद ही फिल्म को अब ग्रीन सिग्नल मिल पाएगा। वैसे शांति प्रिया ने अक्षय कुमार को लेकर जो खुलासा किया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।